दोस्तों इंडक्शन कुकर में जो कैपेसिटर लगते हैं उसकी टेस्टिंग करना बहुत ही सिंपल है। जैसे हम नॉर्मली सभी कैपेसिटर को चेक करते हैं, इन कैपेसिटर को भी वैसे ही चेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की तरह इनमें प्लस या माइनस नहीं रहता है, लेकिन इस मल्टीमीटर से इसको चेक करने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। भले प्लस माइनस हो ना हो, टेस्ट वैसे ही किया जाएगा जैसे हम नॉर्मली इस कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले दो तरीके से आपको टेस्ट करना बताऊंगा, एक जो है इसका शॉर्ट है या नहीं इस तरीके से टेस्ट करूंगा, और दूसरा इसे कैपेसिटर मोड पे चेक करूंगा, जिससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि ये वीक है या फिर ठीक है, यानी कि इसकी स्टोरेज जो इसमें लिखी हुई है एक्यूरेट वो आ रही या कम आ रही है। कम आ ही रहेगी तो समझ लो आपका कैपेसिटर वीक हो चुका है, सर्किट बोर्ड पर हमने दूसरा कैपेसिटर लगाना है। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को बजर की रेंज पर रख लिया है। अब करना क्या है, कैपेसिटर की दोनों लेग पे मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को हमने लगा लेना है। देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा, हाँ कुछ वैल्यू आपको दिखा सकता है किसी कंडीशन में, दिखाने के बाद थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लेकिन परमानेंट यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात है, यहाँ पर कोई भी आपको शॉर्टिंग यानी कि इस तरीके से कैपेसिटर के दोनों लेग पे नहीं आनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे अभी ये कैपेसिटर ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो शिफ्ट तो नहीं हो गई है, वो कम तो नहीं होगी, वीक तो नहीं होगा, ये अभी फिर से टेस्ट करेंगे। अभी यहाँ पर इसको भी टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ठीक है, कोई भी यहाँ पर बीप वगैरह नहीं आ रही। देखिए एक छोटा सा बीप इस तरीके से आ सकती, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर परमानेंट कोई डिजिट या फिर कोई ऐसे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। अब इस कैपेसिटर को भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं ये कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा सकते हैं। देखिए यह आपका चार्ज हो रहा है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये परमानेंट बीप मारते हैं समझ लीजिए आपका ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए बीप मारने के बाद ये बंद हो गया, तो इतना चलता है क्योंकि अभी ये चार्ज हो रहा है। अभी देखिए इसको भी हम टेस्ट करेंगे, सभी को इसको टेस्ट करना आपको बताऊँगा। अब देखिए ये तो आपको बता दिया, अब यहाँ पर ये मल्टीमीटर जो है एक कैपेसिटर को चेक करने के लिए भी बनाया गया है, तो इस प्रोब को रख लेंगे इस जगह पे रेड को, ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे कहाँ पर, ये जो कैपेसिटर है ये है कितना, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3 माइक्रोफेरेड, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 0.3 माइक्रोफेरेड का है। तो अभी क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 0.3 माइक्रोफेरेड यानी कि इसको रख लेंगे माइक्रोफेरेड की रेंज पर, यानी कि 2 पे रख लेंगे। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दिखाएगा, लेकिन देखिए इसमें छोटी सी गलती आपने नहीं करनी है। देखिए अगर आप इसको हाथ से टच करवाते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ही अजीब सी यहाँ पर दिखेगी आपको, अलग अलग दिख सकती है, हाथ भी लगाएंगे तो वैल्यू वहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो फिर आपको इस तरीके से टच करना होगा, उंगली नहीं लगानी पड़ेगी, और दूसरा यहाँ पर इस प्रोब को मैं हटा लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसके लिए एक स्पेशली ये वाली प्रोब बना के रखी हुई है जिसमें आगे मैंने चिमटी लगा के रखी हुई है। देखिए यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको टच कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसका जो है आप माइक्रोफेरेड देख सकते हैं। देखिए 0.297 96 के आसपास बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक्यूरेट यहाँ पर 3 माइक्रोफेरेड बता रहा है, बस तो कुछ थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत कम दिखा रहा है आपको माइक्रोफेरेड, बहुत कम दिखा रहा है, तो समझ लीजिए आपका क्या है, ये कैपेसिटर वीक हो चुका है। इसको रखते हैं आप साइड पर। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं, ये कितने का है, ये है आपका ये है आपका 4 माइक्रोफेरेड का, वो वाला पॉइंट पे था, ये सिर्फ 4 माइक्रोफेरेड का है। अब इसे हम माइक्रोफेरेड की रेंज पे रखना है, नैनोफेरेड की रेंज पे, इसको नैनोफेरेड की रेंज पे नहीं रखना, यानी कि नीचे के नैनोफेरेड है, ये माइक्रोफेरेड है यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये सही यहाँ पर स्टोरेज बता रहे कि नहीं, तो यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर एक्यूरेट नहीं आ रहा है, हाँ ये यहाँ पर 2 तक ही बताएगा, ऊपर करते हैं 20 पे करते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर एक्यूरेट बता रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 तक है, तो 2 से ऊपर के लिए आपने इधर पे चेक करना होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक्यूरेट, एक मिनट, एक्यूरेट 4 माइक्रोफेरेड बता रहा है, देख सकते हैं आप, इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा ओके है, ख़राब होगा या फिर वीक होगा तो वैल्यू नहीं बताएगा। तो यहाँ पर एक, चलिए इसका भी बता देता हूँ, अब वीडियो पर आ गए हैं तो 4700 माइक्रोफेरेड का है, तो ये नहीं बताएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो आपका मल्टीमीटर है ये सिर्फ 200 माइक्रोफेरेड तक की ही कैपेसिटर की आपकी स्टोरेज वहाँ पर शो कर सकता है, ये 4700 का ये नहीं बताएगा। अदर को देख लेते हैं, यहाँ पर ये है आपका 82 माइक्रोफेरेड का, हाँ ये दिखा सकता है क्योंकि ये सिर्फ ये 200 से नीचे नीचे तक का ही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट, इसको मैं अच्छी तरीके से अटैच कर लेता हूँ, ये देखिए ये आपका 20 माइक्रोफेरेड बता रहा है, इसका मतलब ये वीक हो चुका है। ये वीक होने पर क्या होगा, अब जो इसमें माइक्रोफेरेड लिखा रहेगा वो एक्यूरेट नहीं बताएगा, ये थोड़ा सा आपको कम बताता है, जैसे 82 लिखा हुआ है,
कोई बात नहीं, 80-75 तक बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत कम बता रहा, समझ लीजिए आपका वीक हो चुका है। और यहाँ पर ये फटा भी है, देख सकते हैं आप, ये ऑलरेडी वीक ही होगा क्योंकि फटा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू अभी माइक्रोफेरेड नहीं देखते हैं, पहले चेक करते हैं उसके बाद देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये कितना बता रहा है, 0, एक मिनट थोड़ा नीचे रख लेता हूँ उसको, ये कितना बता रहा है, 1.5 माइक्रोफेरेड बता रहा है। तो यहाँ पर ये है 4.7 माइक्रोफेरेड का, तो ये भी थोड़ा सा कम बता रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा अभी भी ये वीक हो चुका है। तो इसको रखते हैं साइड पे, एक दो और को और चेक करवा देता हूँ, जैसे कि ये भी है, इसमें लिखा हुआ 220 माइक्रोफेरेड का, तो 220 का है, तो यहाँ पर ये नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि 220 200 से ज़्यादा ही है। अब इसको 200 की रेंज पे रख लेता हूँ, तो देखिए नहीं बताएगा क्योंकि 200 से ऊपर की, यानी कि ये ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कैपेसिटर के माइक्रोफेरेड, भले वो इंडक्शन का हो भले नॉर्मली हो, इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर लेना।